हेलो एवरीवन, बहुत सारी लड़कियां या कुछ लड़कों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, क्या मैं एग्ज़ाम दूँ नहीं दूँ, मैं इस बार हाइट में छट गई थी या छट गया था तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये इसी पर्पस की ये वीडियो है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो देखिए, सबसे पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं 2446 में हाइट में छठी हूँ। मेरी बाहर हाइट 160.1 टू 159.9 ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा सिर इधर उधर हो जाए, तो हाइट मेरी फ्लैक्चुएट थोड़ी थोड़ी करती थी पॉइंट में। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा वहाँ हो जाएगा, मैं ऐसे खड़ी रहूँगी ऐसे सिर उठा के जो भी ये सब, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा हो जाएगा। और मैं नंबर में तो श्योर थी कि मैं नंबर से तो नहीं छटूंगी, भले ही हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है ना कि जिस चीज़ में कमी हो। तो मुझे लगता था कि मेरी हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट हाँ, मेरा नंबर अच्छा है तो मैंने उसके लिए बहुत सारा जुगाड़ भी लगवाया, इधर से उधर से जो मेरे से पॉसिबल था, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, बट हाँ, मेरा हाइट में कोई जुगाड़ नहीं लगा और वहाँ पे जाके मेरी हाइट 158.8 ही आई। सोचिए, मैं बहुत रोई, बहुत बुरा लगता है ना कि मतलब यहाँ तक पहुँचे और फिर हाइट से छट गए, तो बहुत दुख हुआ। रोते रोते मैं बाहर आ गई और री हाइट के लिए अप्लाई किया, री हाइट में गई तो मेरा 158.4 ही हो गया। सोचिए, 0.4 मेरा कम और हो गया, तो और बुरा लगा। मैंने सोचा, मैंने जबकि अच्छे से खड़ी हुई थी फिर भी मेरा हाइट नहीं हुआ, और जो भी जुगाड़ तुगाड़ गए वो ये सब कुछ वहाँ वर्क नहीं किया, नहीं करता है ये सब बेकार की बातें हैं कि ये सब ऐसे हाइट होता है वैसे हाइट होता है, कुछ नहीं होता है। इतने बड़े बड़े वहाँ लोग, अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, बताइए कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये जितने भी लोग बोलते हैं आपकी हाइट मैनेज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो देखो नहीं हुआ, तो मैं कैसे बोलूँ कि हाँ होती होगी या होता है, जो भी पता नहीं, मेरा तो कभी नहीं ऐसे हुआ ना। मैंने कोशिश बहुत किया, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरिट से मैं नहीं छटूंगी, हाइट में प्रॉब्लम है, बट नहीं हुआ। तो ऐसा है, अब बात आती है कि आपके साथ क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने सबसे पहले तो अगर आपकी थोड़ी कम थी तो हाइट में यहाँ नहीं कुछ होता है, तो आप नहीं भरना था, लेकिन अगर आप भर ही दिए हैं, पैसा लगा दिए हैं, समय लगाए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो कोई नहीं, अब एग्ज़ाम देने जाइए आप। और एक्सरसाइज वगैरह तो इसका भी मैं बता देती हूँ, मेरा जून 2020 में रिजल्ट आया था बिहार पुलिस का, जून से लेके मैं अप्रैल, 10 अप्रैल को मेरा रनिंग था, 10 अप्रैल 2021 को, सोचिए जून से लेके अप्रैल तक जितने भी आप नेट पे एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं, स्ट्रेचिंग, मैं सब करती थी। मैं मोइनुल हक स्टेडियम में 20-20 मिनट लटकती थी, मेरे हाथ में ये इधर पूरे फिंगर्स में ना घाटा जिसको बोलते हैं, गोल गोल मांस जो कड़ा हो जाता है वैसे हो जाता था। मैं रो रो के नेल कटर से वो सारे यहाँ के जो मतलब वो जो घाटा पड़ा रहता था उसको मैं काटती थी। फिर नेक्स्ट डे लटकती थी, शीर्षासन, हलासन, पता नहीं कौन सा चक्रासन, सारे आसन मैंने किए, मेरी हाइट नहीं इंक्रीज हुई। एक एज के बाद हाइट इंक्रीज होना पता नहीं नहीं हो पाता है यार। मैंने कोशिश बहुत किया, लटकना, झूलना, जो भी एक्सरसाइज है, और खाना, ये पाउडर वो पाउडर, मुझे नहीं फ़ायदा किया, कुछ नहीं हुआ मेरी हाइट। सोची मैं जून से लेके अप्रैल तक मैंने ये सारे टिकड़म लगाए, मेरा हाइट नहीं इंक्रीज हुआ। तो शायद आप एक्सरसाइज वगैरह करके देखें, पर एक एज के बाद लगभग जितने लोग होंगे, लगभग 20-22 क्रॉस होंगे, ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है तो 23 के होंगे, 24 के होंगे, तो ऐसा है हाइट शायद ही बढ़ पाती है, नहीं बढ़ती है। हाँ, 15-17 साल के बच्चों की बढ़ जाए वो अलग बात है, पर हमारी अब एज नहीं है उस तरह की, 22-23-24 साल के बच्चों की एज वैसी उतनी शायद नहीं होती है कि हाइट बढ़े, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने ट्राई किया। तो ऐसा है, और उसके साथ आप तैयारी करते रहें, किसी और चीज़ का भी देखें, क्योंकि यहाँ पे
हाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सियोरिटी हो सकता है कि नहीं हो, आप लास्ट में कुछ भी हो सकता है, पर वो सब अभी तो नहीं सोचे, भर दिए हैं तो एग्ज़ाम दे जाएं। पर हाँ, और अदर भी चीज़ें देखते रहें, जैसे बिहार SSC डाले हैं तो उस पर भी फोकस करें, या और किसी एग्ज़ाम को डाले हैं तो वो करें, क्योंकि हाइट में प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है, मेरे साथ हुई है। मैं ये डिमोरलाइज करने के पर्पज़ से वीडियो नहीं बना रही हूँ, अवेयरनेस के पर्पज़ से है, तो इसको इसी तरह से लें, तैयारी करें। हाँ, दूसरे भी चीज़ों को देखें, क्योंकि अंत में अगर कुछ दोनों सोच के चलना है ना, प्रॉब्लम है तो, कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, इस तरह से इस वीडियो को लें, ठीक है। और ऐसा है, और लड़कियों की हाइट ST SC हो या कोई भी कैटेगरी हो, सबकी 155 है, लड़कों का शायद 165 है और ST SC का शायद 160, ऐसा कुछ शायद है, शायद ऐसा ही है। मैं इसके बारे में लड़कों का कंफर्म नहीं हूँ, पर लड़कियों का मैं कंफर्म हूँ, तो इसलिए तैयारी करें, बेहतर बनाएं खुद को, विकल्प ज़रूर रखें, क्योंकि होता है ना कि एकदम अंधे बन के नहीं चलना है, क्योंकि रास्ते में पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो सचेत रहना है और अदर भी चीज़ों को देखते रहना है, ठीक है। थैंक यू।